गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को सरकार जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध करा रही है। आइए आपको हम ले चलते हैं पांडरसाली के जन वितरण प्रणाली दुकान में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 34 किलो 200 ग्राम के जगह 34 किलो दिया जा रहा है। तीन बार तौल कर 34 किलो दिया जा रहा है। प्रत्येक बार तौलने पर 100 से 150 ग्राम कम दिया जा रहा है। सही टाइम में रही होगा मल इतना डोज डो सही वजन होगा मल इतना सही टाइम रे मल है चानो इमिते कर पैसा कोले रिक ठीक था ना सही वजन होगा मैं चावलियो डो समय रखा है मैं इन कोई तो पैसा तो कोई तो कहा तो योग सीमित सीमित है ना को नम तब के कुछ तो ही पसंद तो इंतर बराबर के यानी के पब्लिक को डांडी मराव के कोई से मतलब खाद्यान्न को प्रखंड स्थित गोदामों से दुकान तक डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य डोर स्टेप डिलीवरी के परिवहन अभिकर्ता की होती है। सरकारी नियम सरकारी इस प्रकार की कोई शिकायत आज तक प्रखंड से प्राप्त नहीं हुई है। 17 रुपया रेट थे एमएफए में तो किन एमओगे का जीपे ना एमओ इन आरे कमीशन लेवल का तो मुखिया को पतई के ना सब इनको तई के ना जन प्रतिनिधि को सोशल तई के ना परमो को तई के ना मीटिंग दे रे एमओ तई के ना या एमओ तई सही समय के मल का सही वजन अमल करना इने नान दिन रास होता मैं वीडियो के माध्यम से विश्व भर के लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जन वितरण प्रणाली दुकान में गरीबों का अनाज किस तरह लूट की जा रही है गरीबों से। मैं कई बार डीलर से संपर्क करके बात किया फिर भी इस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। अतः आप सभी दर्शक भाइयों बुद्धिजीवियों एवं समाज सेवियों से मैं अपील करता हूं कि अनुमंडल पदाधिकारी रविंद्र कुमार का मोबाइल नंबर 9433113990 पर कॉल करके दबाव बनाए ताकि मेरे गरीब आदिवासी समुदाय को सही समय पर और सही मात्रा में अनाज मिल सके। मैं कमल पूर्ति पश्चिम सिंहभूम झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।